हूँ डी, और आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ्थाल्मिक एजेंट्स एंड यूज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज के बारे में. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑफ्थाल्मिक एजेंट्स. ठीक है, कुछ हमारे पास जो ऑफ्थाल्मिक एजेंट्स जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट इंडिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉन्टेक्ट लेंस और उनकी केयर के बारे में. सो बेसिकली नेफेसोलीन HCl दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर टॉपिकल ऑक्यूलर कॉन्स्ट्रिक्टर है. ठीक है, एंड देन एंटी एलर्जिक क्रोमेलिन सोडियम दैट इज़ फॉर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक डिसऑर्डर्स के लिए, वर्नल कंजक्टिवाइटिस के लिए. ठीक है, इस तरह हमारे पास एंटी बैक्टीरियल है टोब्रामाइसिन, इसके आई ड्रॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं. ठीक है, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह, ये सुपरफिशियल आई इन्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आ रहा है एंटीवायरल. एंटीवायरल जो हैं कुछ हमारे पास ट्राइफ्लोरिडीन वगैरह जो हैं, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स जो कैरेटाइटिस है उसके लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स. कभी कभी इन सम कंडीशंस क्या होता है कि आईज जो होती हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, सम लाइक किसी आप ड्राई क्लाइमेट में चले गए, ठीक है, किसी ऐसे ड्राई एरिया में चले गए, तो वहाँ पर उसकी वजह से जो है वो आईज में ड्राइनेस होती है, इसकी वजह से इरीटेशन और रेडनेस हो जाती है. सो दैट इज़ फॉर द रिलीफ ऑफ ड्राई आईज. ठीक है, डेक्सट्रॉन 70, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज वगैरह. आर्टिफिशियल टीयर्स देन आ जाते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास टेक्सचर था ठीक है सारे. ठीक है, एस्ट्रिंजेंट एक्शन में जिंक सल्फेट आ जाता है, दैट इज़ बेसिकली फॉर द रिलीफ ऑफ डिस्कम्फर्ट, माइनर आई इरीटेशन, डस्ट वगैरह से एलर्जी है आपको इस तरह की. ठीक है, तो फैटी एलर्जी वगैरह. ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ड्यू टू सम कुछ हीलिंग पर्पजेज के लिए. ठीक है, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, तो दैट इज़ बेसिकली फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द मैकेनिकल केमिकल इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज. ठीक है जी, इसकी वजह से हो सकती है एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो दे आर गिवन इन केस इफ द पेशेंट हैज अंडरगॉन एनी आई सर्जरी, तो उस केस में ये जो है ये पेशेंट को मिस्टर किए जाते हैं. ठीक है, यूज़ उसने करने होते हैं. टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन, टोब्राटेक्स के नाम से भी ये अवेलेबल है. ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, क्रॉनिक ओपन एंकल ग्लैकोमा, ग्लैकोमा वगैरह के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं. टिमोलोल मेलगेट, ठीक है जी, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है. कॉलिनर्जिक पाइलोकार्पिनिन दैट इज़ अ मायोटिक फॉर ग्लैकोमा. ठीक है, मायोटिक पर्पज के लिए. ठीक है, मतलब कंस्ट्रिक्शन के लिए यूज़ करना. ठीक है जी, उसमें स्पेशली ओपन एंगल न्यूट्रलाइज मेड्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ्थैल्मोस्कोपी और सर्जरी. ठीक है जी, सो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, मायोटिक फॉर ग्लैकोमा ओपन एंगल के लिए, स्पेशली ओपन एंगल ग्लैकोमा के लिए. ठीक है, और न्यूट्रलाइज करते मेड्रेसिस को टू फॉलोइंग ऑफ्थैल्मोस्कोपी और सर्जरी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एजेंट्स, ऑफ्थाल्मिक एजेंट्स बाय कैटेगरी, किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, कॉलिनेस्ट्रीज इनहिबिटर, डेमिक्रेडियम ब्रोमाइड, सो ये जो है मायोसिस करता है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल एंड सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन बाई इनहिबिटिंग कॉलिनेस्ट्रीज. ठीक है, ओपन एंगल में यूज द शॉर्ट एक्टिंग मायोटिक्स है. ठीक है जी, फिर आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दैट इज ट्रैवोप्रोस्ट. ठीक है, ये बेसिकली यूज़ करता है एलिवेटेड इंट्राऑक्युलर प्रेशर के लिए. ठीक है जी, बस ये हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द थेरेप्यूटिक एजेंट्स. ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर इन डिफरेंट ऑफ्थाल्मिक कंडीशंस. ठीक है, डिफरेंट आई इन्फेक्शन के लिए, डिफरेंट आई की कंडीशन उसमें हम यूज़ करते हैं. सो इसमें हमारे पास ये है कि अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ. कॉन्टैक्ट लेंस बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या होते हैं कि दीज आर थिन प्लास्टिक डिस्क, जो कि मतलब ये बिल्कुल लाइट प्लास्टिक की शीट्स, बिल्कुल थिन होते हैं. ठीक है, टू इम्प्रूव विजन फ्लोट ऑन द टियर फिल्म कवर्स कॉर्निया. ठीक है, कॉर्नियल लेयर को जो है कवर करते हैं. ठीक है, एंड बेसिकली इन यू नो इट्स बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लासेस. ठीक है, आई ग्लासेस की रिप्लेसमेंट दैट इज लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस है. कभी कभी ये जो है वो परमानेंटली आई में मिस्टर किए जाते हैं, प्लेस कर दिए जाते हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स दे आर डेली वियर, एक्सटेंडेड वियर ने कुछ टाइम के लिए बताते हैं, एंड रात में आप इनको उतार देते हैं. ठीक है, सो द इनएबिलिटी टू बैंड फोकस टेस्ट बेसिकली इंप्रूव विजन इन पेशेंट्स में रिफ्रैक्टिव एरर. ठीक है, जिनकी जो है वो आई साइड का इशू होता है तो उनके अंदर हम यूज़ करते हैं. तो रिफ्रैक्टिव एरर बेसिकली इज द इनएबिलिटी टू बैंड फोकस द लाइट रिजल्टिंग इन द ब्लर्ड इमेज. तो उसके लिए, उसमें विजन इंप्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो विजुअल एक्विटी प्रोवाइड करते हैं. इजी केयर रेजीम्स हैं. ठीक है, कुछ रेजीम्स हमने फॉलो करनी है कि अपने सोल्यूशन को डिसइंफेक्ट, इसका एक डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन है उसको आपने यूज़ करना होता है. ठीक है, और जो है वो वेट रखना होता है अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को. सो इस तरह की जो है हम इनकी केयर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे. सो थ्री टाइप्स के अवेलेबल हैं, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है, रिजिड ग्लास प्राइमरी. ठीक है जी, सो सबसे पहले लेते हैं हार्ड जो होते हैं वो ड्यूरेबिलिटी, क्लियर एंड क्रिस्प विजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज इसमें जो है वो इसका जो मतलब मटीरियल होता है जिससे ये बने होते हैं वो थोड़ा रिजिड होता है, दैट इज़ पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट 7 to 10 mm डाया, और ये सिर्फ कॉर्निया का एक पार्ट कवर करते हैं. ठीक है, नॉट कवर द होल कॉर्निया. जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो
होल कॉर्निया को कवर करती है, इम्परमीबल टू ऑक्सीजन मॉइस्चर। ठीक है, थोड़ा सा इनमें ये इशू है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर को जो है वो मतलब जो है वो एब्जॉर्ब इम्परमीबल होते नहीं कर सकते, 0.5% जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको जो है वो पहनने में थोड़ा सा इशू होता है। सो फॉर सम पेशेंट्स दे आर नॉट कम्फर्टेबल ड्यू टू देयर हार्ड नेचर की वजह से जो है वो कम्फर्टेबल नहीं होते, पेशेंट कम्फर्ट नहीं होता। और इनके साथ जो है वो लेंस सोल्यूशन आता है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन मतलब लुब्रिकेशन और मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं होता कॉर्निया एपिथेलियम एंड लेंस। नेक्स्ट जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट बेसिकली ये ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट लेवल। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट होते हैं उनसे इरीटेशन और इस तरह की ड्राइनेस के इशूज़ जो है वो कम होते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली मेरे हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्रिलेट। ठीक है जी, तो इट कंटेन्स क्रॉस लिंकिंग एजेंट एंड एक हाइड्रोजेल नेटवर्क साइज की मतलब ये जो इसका मटीरियल है ना इसकी वजह से जो इसका जिससे ये बने हुए हैं वो जो है उसकी क्रॉस लिंकिंग उसका इस तरह से स्ट्रक्चर है कि उसकी क्रॉस लिंकिंग वजह से एक हाइड्रोजन है जिसकी वजह से ये हाई परमेबल टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से ही तो हमारे टिश्यूज हैं वो ब्रीथ करेंगे, तो इस वजह से ये जब परमेबिलिटी टू ऑक्सीजन है तो ये ज़्यादा अच्छा पेशेंट कम्फर्ट लेवल कम्फर्ट लेवल है इनका। और 30-80% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सो इट्स गुड। ठीक है, ड्राइनेस नहीं होती है इसमें। 13-15 इंडाया कवर्स एंटायर कॉर्निया, सारी आपकी जो कॉर्निया लेयर है उसको कवर करते हैं। एंड डोंट डिसलॉज फ्रॉम द प्लेस, और इनकी डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, लेस इरिटेटिंग है टू मतलब अगर कोई डस्ट और पोलन चले जाते तो यू नो इतनी जल्दी जो है वो आपकी आईज में इरिटेशन स्टार्ट नहीं होता है। इट्स अ ग्रेटर कम्फर्ट लेवल एंड बट इन सम पेशेंट्स के अंदर जो है वो कम्फर्टेबल नहीं भी होता है, सो दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो इसमें टू टाइप्स ऑफ लेंसेज आते हैं, एक हमारे पास डेली वेयर होते हैं जिनका जिनको डेली डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, एंड सॉरी डेली डिस्पोजेबल भी होते हैं और एक डेली वेयर होते हैं। ठीक है, तो डेली वेयर होते हैं ना वो हम बेड टाइम पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो एक्सटेंडेड वेयर होता है उनको मोर देन 24 आवर्स भी हम पहन सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं डेली डिस्पोजेबल जो हम इनको डेली बेसिस पर डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, या उनके कुछ लगाने के कुछ नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं कि 4-5 times हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ डेली भी होते हैं डेली बेस पर जिनको आपने डेली यूज़ करके डिस्पोज कर देना। सो कुछ इस तरह के भी अवेलेबल है। मस्ट बी रिमूव्ड एट द बेड टाइम। एक्सटेंडेड वियर जो है मोर देन 24 आवर्स के लिए इट इज़ एडवाइजेबल, और बेसिकली के लिए एडवाइजेबल होता है कि 4-7 days से ज़्यादा जो है वो आईज में लेंस नहीं रहना चाहिए बिकॉज दैट इज़ प्रोन टू इन्फेक्शन। ठीक है, सो डिस्पोजेबल सॉफ्ट लेंस होते हैं, इनमें क्लीनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती विद इन रिकमेंडेड पीरियड ऑफ यूज, डिस्कार्ड देम आफ्टर वैलिड टाइम एंड यूज न्यू वंस। ठीक है, जिसमें डिस्पोजेबल हैं सो इनकी क्लीनिंग के इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन होते हैं उस टाइम पीरियड में इसको यूज़ कर सकते हैं, देन यू हैव टू डिस्कार्ड। देन कम्स द रिजिड परमेबल लेंस। ठीक है, RPL भी इसको बोलते हैं, रिजिड परमेबल लेंस। तो बेसिकली ये भी इनकी भी हाई परमेबिलिटी है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मोर कम्फर्टेबल है दैन हार्ड लेंस। ठीक है, एंड डेली वेयर के लिए भी रिकमेंडेड होते हैं, और एक्सटेंडेड वर्जन भी इनका आजकल अवेलेबल है जो कि दैट इज सुपर परमेबल। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं हमारे पास वैसे तो ट्रांसपेरेंट लेंसेज होते हैं, लेकिन आजकल जो है वो कलर्ड लेंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिस तरह फ्रेश लुक और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ये लेंसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, सो बेसिकली सीवा विजन लिखा होता है, ये भी आगे हम देख लेते हैं। सो बेसिकली मैनी कलर लेंस कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं ना बेसिकली जो इसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ FDA अप्रूव। ठीक है, वो आइज़ के लिए सेंसिटिव हैं और ठीक है आइज में कोई डिस्कम्फर्ट ना कॉज करें। सो बेसिकली इसमें ये होता है कि मैनी कलर लेंस आर प्रिपेयर बाई रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म बाई केमिकली बॉन्डिंग अ डाई। ठीक है, दैट इज कलर इंडेक्स रिएक्टिव रेड 180 सीबा विजन। ठीक है, सो सीबा विजन इस होल कलर का नाम है टू द विनाइल। ठीक है, इस पूरे कलर का हम जो है कलेक्टिवली सीबा विजन के नाम से बोलते हैं टू द विनाइल अल्कोहल मिथाइल एक्राइलेट को पॉलीमेरिक लेंस मटीरियल। सो इस तरह का जो है ये डाई है। ठीक है, जिससे ये जो है हमारे पास कलर, सो जिस तरह आपको ये नजर भी लगा सीबा विजन कलर, क्योंकि बेसिकली इनके लेंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन वायलेट हेजल वगैरह इस तरह के कलर्स होते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो केमिकली डाई केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द डाई से केमिकली बॉन्डिंग अ डाई। सो इस तरह से जो है वो कलर लेंस जो है फिर किए, लेकिन कलर्स हम वो यूज करते हैं दैट आर FDA अप्रूव। देन कम्स द केयर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस। सो बेसिकली इसमें जो तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं ना उनमें जो होती है वो डेली क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन वगैरह होती है। हमें हमारे पास क्लीनिंग सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल इस तरह की किट्स होती हैं जो हमें लेंस के साथ मिलती हैं। ठीक है, और इसके अंदर इस किट के अंदर हम अपने लेंस को जो है जितने में वो सोक हो सकें उसमें हम इतना सॉल्यूशन डाल लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है हमारे पास। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं डेली क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, इसमें टू रिमूव द लिपिड, क्योंकि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर कभी कभी जो है वो प्रोटीन डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, जो इमेज को ब्लर कर देते हैं या डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं, तो इस वजह से उसके लिए हम इसको इन सॉल्यूशंस में डिप करके रख देते हैं।
एंड डिस इन्फेक्शन टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिस इन्फेक्शन की जाती है टू किल द माइक्रो। अदरवाइज समटाइम की जो हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल होती हैं ज़्यादातर नॉर्मल से लाइन में अलग करते हैं, एंड उनकी जो पीएच होती है दैट इज आइसोटॉनिक विद द टीयर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो हमारी आइज में कोई इरीटेशन कॉज नहीं करते। और अगर इनको क्लीन ना किए तो डिपॉजिट बेल्टअप हो जाता है, कंटेमिनेशन या आई इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ऑल हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं ना उनको क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस को भी क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है, डेब्रिस रिमूव करने के लिए डिपॉजिट फ्रॉम द लेंस और लेंस को सोक करना इनटू द डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, वेटिंग द लेंस टू डिक्रीज हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट द केयर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कस एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स और कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।